इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। मजदूर जूनियर जिंदाबाद, मजदूर जूनियर जिंदाबाद। घोड़ा पिट्ठू पाल की जय, घोड़ा पिट्ठू पाल की जय। मजदूर जूनियर जिंदाबाद। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। हमारी मांग है पूरी करो। सड़ा घोड़ा चला ये कल टेस्ट हुई, एक्सीडेंट होया जा डेथ, मतलब घोड़े ने सी टांगरी मारी, बंदा ऑन स्पॉट डेड हो गया। साड़ी एक सोच है कि जिहड़ा हादसा जिहड़ा होई आ गुजरी आ, ये जो होर ना कोई होए, इस गल्ला असें स्ट्राइक कीती दी। और दूआ नंबर घोड़ा पिट्ठू पालकी जूनियर प्रेजिडेंट शोंकू अपना रंसू का, साड़ी एक सोच है कि साड़ा भरा कोई होर भी असी इन्ना दुख लगे हद को बद कि साड़ा एक अज कोई एक बाह नहीं एक मतलब साड़ा एक साइड बाजू नहीं है एक नंबर। दूआ नंबर चक्कर असें कि अस सोचने कि जिहड़ा हादसा होई चुकिया वो दोबारा ना गुजरी जाए, पानी रस्ते च ट्रैक पर नहीं है पीने से साडे नैब साहब और आदे। सब तो बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करा मैं अपना सी आर पी साहब का, एस एच ओ साहब का, नैब साहब का, जिहड़ा मौके पर कल सी आर पी साहब ने बाइक भेजी उस बंदे चुकाया जिहड़ा घोड़े वाला एक्सीडेंट जिहड़ा केस होया मौके पर, पाँच मिनट के अंदर एक्शन लिता सी आर पी। सी आर पी इं भी लेंदी कहते यात्री डिगी जान जां फिर कोई भी घोड़े वाला बीमार हो जाए जां कोई ग्राई बंदा ज्यादा होए बीमार हो जाए तो भी सी आर पी फुल हेल्प करती, पुलिस फुल हेल्प करती। साढ़े जो नैब साहब रहा इन्ने अच्छे नहीं, इनके को अब ज़्यादा तारीफ नहीं करते हुए कि सब तो बड़ी गल उस मुड़े जोड़ा डेड होता अस सोचने जो क्लेम मिले जो नैब साहब रखते उनके डाकूमेंट भजाओ उनके भरा की ब्रदर की अस नौकरी के बारे गल करने ए सी आर के कन्ने मतलब गल हुई नैब साहब की कन्ने। इस गल्ला अस स्ट्राइक अज के दिन बंद घोड़े साढ़े कला कड़मे घोड़े सारे खिलाई लेने इले सर ऑलरेडी घोड़े बंद न, 1200 घोड़ा पिट्ठू पालकी लेबर सारी बंद जिदे कारण अस बैठे इतने। सर सब तो बड़ी गल है कि असें इंसाफ मिलना चाहिए, दूआ नंबर छड़नी है घोड़े असें ट्रैक उपर टैक्स ज़्यादा मतलब 500 रुपया पर घोड़े का अप डाउन का लेंदा, पर घोड़े वाला 500 रुपया अप डाउन का लेंदा, वो 100 रुपया टैक्स आता और थोड़ा जहा ट्रैक जो घटती इं टैक्स बढ़ता जाता जी मतलब फाइन हों असी आते फाइन है और रब जाने हम फाइन है के आ घोड़े वाले ही बेचारे हर जगह टैक्स ही टैक्स है। असं इं मतलब घोड़े वाले का आते मतलब अस इनके नौकर हैं कि इन्ना टैक्स नहीं होंगे कुछ भी, ना कटरा है ना शिवखोड़ी है ना जम्मू है ना बंबे यूपी बिहार, कोई मजदूरी टैक्स नहीं होता, मगर इतने ही महामारी ऐसी चला दी 1 लाख करोड़ की महामारी कने 3-4 साल पहले गुजरे घोड़े वाले हूँ उपरा यह महामारी की श्राइन बोर्ड इन्ना टैक्स लिया दी हद को बद। सर एक फेरे का मैक्सीम मनो जिते रेट लगता घोड़े वाला कस्टमर जिते 500 रुपया खर्चता उत्ते टैक्स 100 रुपया, जिते कस्टमर 300 रुपया खर्चता उत्ते 200 रुपया टैक्स, जिते कस्टमर 100 रुपया खर्चता उत्ते 200 टैक्स 100 रुपया जेबा पा। बाकी सर अपना पालकी का 1400 रुपया प्राइज आ जिदे पर कंधे उपर चुकिया लिया ना अच धोड़ी इन्हें पालकिया नहीं कोई अच धोड़ी पालकी देती ना इन्हें मतलब कोई भी सुविधा एक भी नहीं देती मगर देसी पालकियाँ। दूआ नंबर चक्कर के कि इंदे को 200 रुपया वसूली लेंदे बाकी जुगाड़ी पालकियाँ इन्हें अपने मतलब रस्सा टुटी है तो इन्हें अपने जेबा लाना कोई अपना गद्दा तकिया कंबल जो भी चाहिए इन्हें अपने को नहीं लाना। सर पहले काउंटर पर अप डाउन का टैक्स है जिहड़ा 100 रुपया, दूए काउंटर पर अप डाउन का 150 रुपया, दूए त्रीए बन चढ़ एक साइड का दूए काउंटर पर 150 रुपया बन, तीन काउंटर दे तीन काउंटर पर सर बड़ा ज़्यादा ही मतलब जियाँ ट्रैक घटती रेट घटता कस्टमर रेट घट खर्चता और ट्रैक घट होंगी कस्टमर ऑलरेडी टैक्स घट ही कर मतलब पैसा घट ही पे कर। साढ़ा सर नैब साहब भी रहे मौके पर कल भी बेचारे मौके रहे अज भी मौके बाकी साढ़े को ना कोई ACR आया ना DC ना DC मैम ना ही हो कुछ भी नहीं साढ़े को सर कोई सर देखो हर जगह मतलब इंश्योरेंस सब कुछ रखनी है घोड़े का इंश्योरेंस होना चाहिए। दो नौजवान निका भरा जो गुजरी
ठीक है सर, वो सारा घर का खर्चा वर्चा वो सिर वह डैडी नहीं है घर, मतलब कि पूरी वो माँ गरीब, बड़ी गरीब फैमिली है सर। मेन सारी गल ये है कि जब उनके घर आने तुम्हें एक बंद नौकरी दी है श्राइन बोर्ड में, अगर नौकरी नहीं देन जो भी सारा श्राइन बोर्ड कट रहे श्राइन बोर्ड के हिसाब से जो क्लेम बनता 5 लाख 10 लाख 15 लाख जिन्ना भी बनता तो उस हिसाब से उन्हें क्लेम दिते जाए। सारा मेन मकसद है कि नौकरी जरूरी है सर, जिहड़ा कि उहदा उम्र लाइफ वास्ते उनका जो सिस्टम चलता रहे इहे सर। मतलब कि 22 साल मतलब एज सी उहदी टोटल, ठीक बस इहो सारे दो ही। कल एक गरीब परिवार का जिहड़ा बड़ा बिपीएल परिवार है और बिपीएल परिवार है उसके घर के माँ बड़ी बीमार है, इे बेटा कमाई उस करवादा हा और बुरी कंडीशन उस परिवार की, उसकी अस घोड़े आने मेन स्ट्राइक करने इे मतलब है कि उनके परिवार की कोई सरकारी नौकरी श्राइन बोर्ड इसलिए श्राइन बोर्ड नायब साहब आ गए हे, उन्हें सब आख्या कि कोई डॉक्यूमेंट्स दो इस हिसाब में फोन गल होती हुई है तो साड़ी मेन डिमांड है उसे उन्हें क्लेम नहीं कर दिता जाए, उन्हें नौकरी सरकारी नौकरी दी जाए घर श्राइन बोर्ड। दूसरा नंबर घोड़े आने एक डिमांड है, घोड़े आने जेका शिवपुरी ट्रैक उपर जेका घोड़ा खच्चर आला जेका केईं वारी नहीं मन्नी जांदी साड़ी अगर नायब साहब भी आते सारे घोड़े आने एक ये चीज़ आखी है कि लेकिन हमारी भी प्रॉब्लम है कि हम तो वो पैदल जा नहीं पाते सकेंगे और हमारे साथ छोटे बच्चे भी हैं, तो प्लीज़ ऐसा कीजिए जो हमारी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये क्या घोड़े वाले क्या बोल रहे हैं? घोड़े वाले बोल रहे हैं आज नहीं जाएंगे इस ट्रैक पे, उनके लिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मैं सपोर्ट कर रही हूँ उनको कि जो भी उनका डिमांड है पूरा होना चाहिए और हमारी भी प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए कि मैं सुविधा अनुसार जा सकूं। हमारी ट्रेन है 5 बजे और फिर वैसे मैं कभी आ नहीं पाऊंगी। मैम सरकार का ये सारा है, ये सरकार के ऊपर कह रहे हैं कि घोड़े चालक हैं जो सरकार को सपोर्ट करना चाहिए उनको, जो ये घोड़े वाले जो मांग करते हैं उसके लिए वो जैसा चाहे। अपना नाम बताना, कहाँ से आए और आप क्या चाहते हैं? मैं मेघा हूँ, मैं बंगाल से आई हुई हूँ, वेस्ट बंगाल से, और वही बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इतनी धूप है गर्मी है, हम ऑलरेडी वैष्णो देवी का चढ़ाई करके आए हैं और बहुत ज़्यादा थके हुए, पैर एकदम जवाब दे चुका है, बट यहाँ शिवपौड़ी है इतना फेमस है, दर्शन करने के लिए आए हुए हैं बट रेडी जाने दिन के बाद आए, अब पता नहीं कब आएंगे, ये तो वैष्णो देवी का लावा था तो आ गए, वो भी मैं पहली बार आई, इतने सालों में पहली बार आई हूँ, तो अब शिवपौड़ी फिर कब आना होगा। लेकिन इनकी भी डिमांड जो है जनरल है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको माननी चाहिए, देखिए मैं क्या बोल सकती हूँ, इसमें तो सरकार बराबर हुई श्राइन बोर्ड इतना घोड़े, बट सर आज 7-8 दिन पहले इतने घटना हुई कि घोड़ा डिग्गी गया बंदे 1.5 लाख रुपए का, मगर उसी को पूछना तक नहीं है, मरी है घोड़ा आस पास, और सर मेडिकल सुविधा कोई नहीं है इतने घोड़े वाले वास्ते, खाली टैक्स ही टैक्स वसूला है, और कार्ड अपडेट किए 10-12 साल हुए सर, कार्ड ही अपडेट नहीं किए सर, साड़ी ये डिमांड है जो उन्हें कोई सर्विस दी है उनके ब्रदर ही कि उनका चूल्हा चलता रहे, कि कोई बंदा हा जो उनका घर का परिवार का काम करने वाला कि उनकी वजह कने चूल्हा चलता हा और चक रहे ने। हर्षू ना हा, हर्षू शर्मा और डैडी की पहले डेथ हुई थी कि वो अपना चूल्हा घर फैमिली से काम करने से मतलब सारा परिवार बच्चे मम्मी पापा ओदा दोबारा हा पे, मगर ओदी सिर उपर ही चूल्हा हा जगदा। नैब साहब ने ऐसे आख्या कि उनके बच्चे के डाकूमेंट मंगाओ उनके भरा दे भेजो, 10-12 दिन अस सोचिए नैब साहब ने एशिया साहब ने गल की।